कितना फर्क पड़ता है हमारे दोस्तों का हमारी लाइफ पे? वो तो दोस्तों का तो बहुत फर्क पड़ता है। जैसे कंपटीशन सबसे बड़ी बात होता है कि हमें लगता है कि हाँ करना चाहिए ऐसा और पढ़ना चाहिए, या फिर कभी मतलब क्वेश्चन भी मदद हो जाती है कुछ नहीं बन रहा तो कोई दोस्त से बन गया हो तो उससे मालूम पड़ जाता है और नए नए मेथड पता चल जाते हैं। और यही मेन पढ़ाई वढ़ाई हर चीज़ में फर्क होता है, फर्क पड़ता है। और ये शायद इन लोगों के सेहत पे काफ़ी फर्क पड़ा। और मेरे ख्याल से ये दोस्ती तो काफ़ी पुरानी है, ज्यादा पुरानी है। हाँ, तीन चार साल की तो, 4 साल की तो दोस्ती है। हाँ। और 4 साल से लगातार डिस्कशन कर रहे हैं। हाँ। और फुटबॉल खेल रहे हैं। ओके, फुटबॉल खेल रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। नहीं, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आप अभी भी अगर अपने को देख रहे हैं कि हम अपने ग्रुप में नहीं अपलिफ्ट कर पा रहे अपने आप को, तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन, थोड़ा सा डिस्कशन, और कहीं ना कहीं जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा फर्क हमारे ऊपर डालता है। तो इन लोगों को काफ़ी एडवांटेज मिला ऐसा, इसीलिए मैंने पहले ही क्वेश्चन इनसे पूछा। दूसरा कि ये जैसे बोर्ड में आपका कितना परसेंटेज है? बोर्ड में 93.4 है। आपने KVPY क्वालिफाई किया है? 12th में गया, 11th में फर्स्ट हुआ था, 11th में रिटन वाला हुआ था, फिर सेकंड में इंटरव्यू में नहीं हुआ था। KVPY भी क्वालिफाई किया और बोर्ड में भी ठीक किया, और JEE मेन में तो आपने बहुत अच्छा किया, JEE एडवांस में भी। तो ये सब मिला जुला के अच्छा एक साथ सब जगह कैसे कर लेते आप? बस वही जैसे आपके टीचर्स बोलते हो कि आज डे फॉलो करते रहिए, बस वही अपने आप हो जाएगा। नहीं, और ये स्कूल और जो JEE मेन और इनमें तो पैटर्न में भी थोड़ा डिफरेंस है, वहाँ कैसे? जैसे स्कूल रूल का तो वही साथ में हो जाता है, सिलेबस तो कॉमन ही आके। और जैसे बोर्ड की बात करें तो बोर्ड में तो इस बार काफ़ी अच्छे से गैप था, एक एक हफ्ते का गैप था पेपर के बीच में, तो बीच में वो एडवांस के साथ पढ़ते पढ़ते ही वो साथ में आ जाता था। तो जैसे 3-4 दिन आप स्पेशली बोर्ड को डेडिकेट कर दीजिए तो वो फिर हो जाएगा, बोर्ड ज़्यादा मुश्किल तो आता नहीं है, तो ईजिली कवर आता है। बस इंग्लिश और कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आप लिए तो उसके लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दीजिए, बाकी तो नॉर्मल ही है। ये केमिस्ट्री को लेके जरा इनको थोड़ा बताइए कि केमिस्ट्री को लेके आपकी पढ़ाई कैसी चल रही थी? मतलब केमिस्ट्री में तो मेरा शुरू से ऊपर नीचे ही था, मतलब कभी अच्छा होता था कभी नहीं होता था। और जैसे पेपर में सबसे पहले वही किया था मैंने, हमेशा केमिस्ट्री करता था, मतलब वो क्विक हो जाता है थोड़ा। तो केमिस्ट्री के लिए मेनली तो मैंने NCERT फॉलो की थी, इनऑर्गेनिक मतलब पूरा वही किया था, कोई और बुक छुई नहीं थी। ऑर्गेनिक में भी वही किया था, NCERT फॉलो की थी, और बाकी एक्स्ट्रा बुक्स में आप MS John करके रहती है आप वो कर सकते हैं, पढ़ो उसको कर सकते हैं। और बाकी NCERT तो पूरी आपको फिंगर टिप्स में रटी रहनी चाहिए, मतलब उस JEE एडवांस में सीधा उससे आता है और मेंस में तो आता ही है। तो मतलब और फिजिकल के लिए तो RC मुखर्जी करके बुक आती है, वो आप कर लीजिए तो वही पूरा हो जाएगा उससे आराम से। मतलब बार बार हम लोग इस बात को कहते हैं कि आपको जो लग रहा है ना कि हम बहुत डिफ़िकल्ट बुक्स को सॉल्व कर लें, क्लियरली इन्होंने बोला कि अगर NCERT की आप एक एक लाइन पढ़ोगे तो केमिस्ट्री का पेपर बेहद आसानी से, स्पेशली इनऑर्गेनिक आप पाएंगे कि पूरा NCERT से एडवांस तक की बात कर रहे हैं और हम उसी को अवॉइड कर रहे हैं। अगर हम खुद वो पहले ही बार बार उसको स्टडी करें, आपने कितनी बार रिवाइज किया होगा अगर हम ओवरऑल देखें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को? इनऑर्गेनिक तो कोई 7-8 बार तो होगी। 7-8 बार? आप क्या सोचते हैं कि लास्ट मोमेंट पे इसको पढ़ेंगे, आखिरी में पढ़ेंगे या 2-3 बार पढ़ लेंगे? 7-8 बार उन्होंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिवाइज किया। और डाउन द लाइन हम पिछले इतने सालों से हर बार टॉपर्स लोगों से बात कर रहे हैं एंड दे टॉक अबाउट केमिस्ट्री की NCERT को कर लो, NCERT की एक एक लाइन को पढ़ लो, सीधे उसमें से क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं लेकिन वो एक एक लाइन में से क्वेश्चंस आ रहे हैं, उस एक एक लाइन को आपको ध्यान रखना है। ये नहीं कि जो उसके पीछे क्वेश्चंस दिए हैं वो आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। आप एक एक लाइन को अगर आप 7-8 बार पढ़ लेते तो क्वेश्चंस, कितना टाइम लगाया आपने JEE मेन की केमिस्ट्री के पेपर में? आधा घंटा। 30 मिनट्स, और आप सोचिए 30 मिनट्स में अगर आपने केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चंस भी कर लिए तो आपका क्या कॉन्फिडेंस लेवल होगा एग्जाम देते समय। अच्छा, और दूसरा ये जो एग्जाम JEE मेन आपने दिया, इसमें पहला सब्जेक्ट दूसरा सब्जेक्ट ऐसा कैसे डिसाइड करा आपने, कब डिसाइड फाइनली किया कि ऐसे करना, या कैसे कर रहे थे आप? तो शुरू से जिसमें टाइम ज़्यादा बचे वही उसको ऑप्ट करना चाहिए,
मतलब जैसे शुरू से ही मैंने देखा केमिस्ट्री थोड़ा जल्दी हो रहा था और उसके बाद फिजिक्स, तो मैथ्स में अगर 1.5 घंटे मिले तो काफ़ी कंफर्टेबल हो जाते हैं फिर, और कुछ एक आध बने बने तब भी टाइम वापस मिल जाता है आके करने के लिए आगे फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए बचता है। अगर अगर एक आध छोड़ भी दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बाद में कवर अप हो जाता है, टाइम मिल जाता है काफ़ी। मतलब अगर सब सही चला तो आधे घंटे मतलब 2.5 घंटे में पेपर पूरा हो जाएगा। जेई मेन में यानी आप पहले केमिस्ट्री फिर फिजिक्स फिर मैथमेटिक्स करते थे, मैथमेटिक्स में कम से कम 1.5 घंटा बचाते थे जिससे कि आराम से पेपर सॉल्व हो। और अगर यही एडवांस के पे बात करें तो भी सेम पैटर्न था फॉलो करने का। ओके, दूसरा जेई मेन और जेई एडवांस ये दो पेपर हैं, आप पहले क्या कहते हो जेई मेन के लिए, क्या इनके लिए सजेशन होना चाहिए कि आप जेई मेन का जो पेपर दे रहे हो क्या दिमाग में रखो जिससे जेई एडवांस बेहतर हो? मतलब जेई मेन के तो वो तो ईजी आएगा ही, वैसे ईजी आएगा वो, और बस स्पीड बेस्ड है वो, और वही स्पीड बेस्ड पेपर रहेगा। और जैसे जेई मेन के एक आध महीने पहले बस आसान सा सिंगल करेक्ट ही करते रहिए टाइम लिमिट लगा के, तो फिर वैसे ही पेपर आएगा, कुछ अलग नया नहीं होगा। और जेई मेन का जो स्कोर है या जो रिजल्ट है कितना इफेक्ट डालेगा, मतलब कितना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा, जो जेई मेन हम जनवरी वाला दें या अप्रैल वाला दें या हम अप्रैल वाले के लिए वेट करें, जनवरी वाला हो गया तो हो जाने दें, क्या इसके बारे में क्या कहना है आप? मतलब कोशिश करके जनवरी में ही अच्छे से दे दीजिए, फिर अप्रैल के लिए बाद में प्रेशर रहेगा, फिर वो तो जनवरी में ही अच्छे से दे दिए फिर एक तो एडवांस मतलब अगर अच्छा हो गया तो देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अप्रैल वाली, और टाइम भी मिल जाएगा एडवांस के लिए आपको एक्स्ट्रा, वरना अप्रैल का वेट करेंगे तो एडवांस के लिए एक ही महीना मिल जाएगा एक्सक्लूसिवली, तो जनवरी वाले ही कोशिश करिए सबसे अच्छे से दे, उसी में सबसे अच्छा रहेगा, प्रेशर नहीं रहेगा उसमें। और आपने भी ऐसे ही किया शायद कि जनवरी वाला दिया और अप्रैल वाला स्किप कर दिया जिससे कि पूरा फोकस एडवांस के ऊपर जाए। अच्छा, सो बेस्ट आइडिया है ये, क्योंकि अगर जनवरी में यू कुड स्कोर 99% एंड अबव सो ऑब्वियसली योर कॉन्फिडेंस लेवल इज गोइंग टू बी वेरी हाई, सो यू हैव टू टारगेट फर्स्ट वन। ओके, अब फिजिक्स के पेपर के बारे में बात करते हैं। फिजिक्स को लेके जेई मेन में पहले बताएं आपकी कैसा रहा और क्या आपकी तैयारी कैसे थी? जेई मेन में फिजिक्स के ज़्यादा मुश्किल तो बिल्कुल नहीं आता, सवाल वही जैसे क्लास वगैरह में कराए बिल्कुल वैसे ही आते पूरे, और मतलब वो भी 1 घंटे से कम में 50 मिनट्स में हो सकता है आराम से। बस कुछ 5-6 क्वेश्चन रहते जो थोड़ा जेई एडवांस के बाहर के सिलेबस रहते, जैसे सेमी कंडक्टर हो गया, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, वो सब आप 1 हफ्ते पहले उसको देख लीजिए अलग से, उसके भी ईजी रहते, मतलब एक बार पढ़ लिए तो हो जाएंगे आराम से। तो बाकी फिजिक्स का भी ऐसे बहुत टफ तो नहीं आता। ओके, और मैथमेटिक्स का जेई मेन का पेपर? मैथ्स मतलब डिफिकल्टी लेवल तो कम ही रहेगी लेकिन थोड़ा लेंथी पढ़ सकता है, तो इसलिए उसके लिए थोड़ा 1 घंटे ज़्यादा ही छोड़े तो अच्छा है। और बाकी मैथ्स में भी बाकी कोऑर्डिनेट वगैरह वो तो मतलब वो क्लास में जैसे क्वेश्चन कराए गए वैसे ही रहेंगे, और उसमें भी कुछ 3-4 क्वेश्चन अलग से रहते हैं थोड़े, जैसे स्टैटिस्टिक्स हो गया और प्रोबेबिलिटी का एक आखिरी का सेक्शन रहता है, और वही उसको भी 1 हफ्ते पहले आप देख लीजिएगा, मतलब अलग से भी ईजी रहेगा। बट अगर हम एक बार देख लिए तो वो आराम से हो जाएगा फिर। और अगर हम 30 में से 26 क्वेश्चंस की बात करें तो क्या कुछ ऐसा था कि कोई हमने नहीं सॉल्व किया? सारे ही किए हुए थे, 30 में से 26 क्वेश्चंस हम लोग क्लास में सॉल्व कर रहे हैं, 4 क्वेश्चंस और 3 क्वेश्चन इज सेम कि वो जो ट्रुथ टेबल है स्टैटिस्टिक्स है इस पे बेस्ड 3-4 क्वेश्चंस आर देयर। आप इमेजिन करो कि आप 25 क्वेश्चंस क्लास में सॉल्व कर रहे हैं तो आप आसानी से 300 के ऊपर स्कोर कर सकते हैं। वैसे आपका स्कोर क्या था परसेंटाइल के अलावा जो आपने पहला पेपर दिया था? 330 स्कोर था। और वो बात को आप ये समझने की कोशिश करिए, इट इज हैपनिंग फॉर एवरीबॉडी बट पीपल आर नॉट लिसनिंग, कि हमने क्लास में करे हुए क्वेश्चन 25 मिनिमम एनकाउंटर करने हैं जेई मेन में, फिर भी मैथमेटिक्स वाले पार्ट पे या फिजिक्स या केमिस्ट्री वाले पार्ट पे, केमिस्ट्री में वो बोल रहे हैं कि एनसीईआरटी से ही है तो 300 तो बनता है, बट इमेजिन हाउ मेनी पीपल आर गेटिंग। तो आप ये 330 लाइक मतलब कैसे, मतलब पेपर में कितनी देर में 330 आप 300 के ऊपर फीलिंग आ गया था? तो वो तो 2.5 घंटे में ही हो गया, 2.5 घंटे में 300 के ऊपर फीलिंग आ गया था। अच्छा, और जेई एडवांस के अब अगर हम फिजिक्स और मैथमेटिक्स की बात करें तो क्या कितना बड़ा डिफरेंस लगा और क्या खास बात लगी आपको? मेन वही था कि क्वेश्चन कम हो गए लेकिन उसमें मल्टी करेक्ट वगैरह थे तो हर एक ऑप्शन के लिए आपको चेक करना पड़ रहा था,
और जैसे इस बार थोड़ा लेंदी आ गया था, जैसे इस बार खासकर वो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स वगैरह सेक्शन है उसमें काफ़ी थोड़ा लेंदी क्वेश्चन आ गए थे, तो शुरू शुरू में आ गए थे थोड़ा मतलब कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता था मतलब, तो मतलब अगर एडवांस में भी अगर प्रॉपर मैनेजमेंट करने करें तो वो भी उसमें भी स्कोर ला सकते हैं। जैसे एक बार आप देख लीजिए पहले थोड़ी सी मल्टी क्रेड के 6-7 क्वेश्चन रहते हैं तो उसको भी एक बार देख लीजिए कौन सा आसान आसान है पहले उसे अटेम्प्ट कर लीजिए, तो उसे कॉन्फिडेंस भी हाई हो जाएगा, फिर टाइम भी बच जाएगा बाकी वो लेंदी वाले करने के लिए। तो जो जब आप पेपर सॉल्व कर रहे थे तो उसमें आप मल्टी करेक्ट को पहले प्रायोरिटी दिया था आपने, क्या ऐसा कुछ था? नहीं, पहले मैं इस बार न्यूमेरिकल किया था, इंटीजर टाइप पहले उसको अटेम्प्ट किया, फिर उसके बाद रिमेनिंग पार्ट पे आ पाए। ओके, सो उसकी पेपर की स्ट्रैटेजी भी आपको बनानी पड़ेगी, जैसे मोर देन वन करेक्ट में कई बार हमें ज़्यादा टाइम लगता है, कई बार सारे आंसर्स हम चेक नहीं कर पा रहे हैं तो शुरुआत में कॉन्फिडेंस लूज हो सकता है, सो यू हैव टू डिसाइड कि हम किस वाले पार्ट पे कैसे जाएंगे। और जैसा कि बताया ऋषभ ने कि केमिस्ट्री हम पहले अटैम्प्ट कर रहे थे, मेरे ख्याल से काफ़ी पेपर देने के बाद आपने प्लान किया होगा ना कि केमिस्ट्री पहले अटैम्प्ट करें, या फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आपके दिमाग में था केमिस्ट्री करेंगे? शुरू में तो मैं लाइन से करता था, फिर धीरे धीरे मैं अलग अलग ट्राई किया कि क्या जल्दी हो रहा है। ओके, तो उससे फिर यही पैटर्न निकला कि सबसे जल्दी यही हो रहा था केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स, तो वही मैंने वही फॉलो किया। सो यू हैव टू थिंक अबाउट इट ऑल्सो, जब आप एग्जाम दे रहे हैं यहाँ का भी, जब आप टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं, तो वहाँ पे आपको प्लान करना है कि हमसे क्या फास्ट हो रहा है, और आपको एक्सपेरिमेंट करना है। जैसे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने पाया कि केमिस्ट्री पहले करने से हमें ज़्यादा फायदा हो रहा है, फिर फिजिक्स फिर मैथ्स, बट वहाँ पे मैथ्स के लिए टाइम बचाना ज़रूरी है। जैसे जेई एडवांस में लगता है कि कहीं ना कहीं मैथ्स के लिए टाइम कम बचा, ऐसा हुआ कि आपके साथ हो गया था? पेपर वन में कितना टाइम बचा था जब आप मैथ्स पे पहुंचे? इस बार 1 घंटा से थोड़ा ही ज़्यादा था, 1 घंटा लगभग 1 घंटा 5 मिनट। और दूसरे पेपर में? दूसरे पेपर में 1.5 घंटा था। अच्छा, तो पहले पेपर में टेंशन भी हुई होगी जब 1 घंटा बच गई, 1 घंटे से 1 घंटा या उसके आसपास बचेगा तो टेंशन होगी मैथ्स में। सो यू हैव टू सेव एटलीस्ट 1 आवर 15 मिनट्स, इफ 1 आवर 30 मिनट्स तो ये बहुत अच्छा है, तो चांसेस है कि मैथमेटिक्स वाला हिस्सा आपके साथ अच्छा होने वाला है। वो सिलेबस तो आपका अक्टूबर नवंबर में ही खत्म हो जाता है, मैथ्स का सितंबर में हो जाता है, मैथ्स का सितंबर में मैथ सितंबर में खत्म कर लिया था श्रीमान जी हम लोगों ने, एक चैप्टर बचा था जो लास्ट वीक ऑफ सितंबर में लिया था, प्रोबेबिलिटी है मैं राइट और नॉट, ओवरऑल अक्टूबर लेकिन पहले और कर लेना चाहिए, आपको क्या लगा? थोड़ा सा इनके साथ वो चीज भी शेयर करें। पहले आप जैसे केमिस्ट्री में एटलीस्ट कर सकते हैं एनसीईआरटी पढ़ के पूरा, मतलब उसे जेई मेन का तो पूरा कवर हो जाएगा, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है जेई मेन के लिए, मतलब जैसे थोड़ा बहुत ही जानकारी में काम चल जाएगा उसमें। केमिस्ट्री कम से कम वो कह रहे हैं आप अपने लेवल पे फिनिश कर लो, मैथ सेप्टेम्बर तक फिनिश हो ही रहा है, एक्सपायरी डेट है 30 सेप्टेम्बर, पहले भी बताया, तो थोड़ा बहुत फिजिक्स बचेगा उसको आगे आगे कर सकते हैं, लेकिन आपके पास अक्टूबर नवंबर दिसंबर था जिसमें आपने 11th का रिवीजन मैथ्स का केमिस्ट्री का किया होगा जब, एम आई राइट और नॉट? तो ऐसे कर सकते हैं। और किसी का क्वेश्चन? हाँ जी, 11th का रिवीजन 12th के सिलेबस खत्म होने के बाद करना चाहिए कि बीच में कर सकते हैं? बीच में अगर आपका जो कराया गया है वो हो गया अच्छे से तो करिए, मतलब 12th के एक्सपेंस पे मत करिए 11th का सिलेबस। बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आप 12th वाला कुछ गड़बड़ कर देंगे तो उसके लिए टाइम ही नहीं है हमारे पास। किसी और का कोई क्वेश्चन? हाँ जी, जैसे इनऑर्गेनिक का मतलब बहुत ज़्यादा रिएक्शन से तो भूलते जाते हैं, मतलब वो समझ जाते कैसे? वही वापस पढ़ते रहिए उसे और लिखते रहिए, मतलब लिख के अच्छे से आ जाता है, तो वही है मतलब, और ज़्यादा जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे आप उतना ज़्यादा अपने आप माइंड में फिक्स होते रहेगा, मतलब बस पढ़ते मत रहिए, जैसे कुछ क्वेश्चन वगैरह खुद ही बना के कर लीजिए जैसे, तो वैसे ही मतलब क्वेश्चन जितने करेंगे उतना अच्छा रहेगा। उसके लिए थर्ड बुक नहीं चाहिए? थर्ड बुक की ज़रूरत नहीं, और प्लस जो उन्होंने बताया कि 7 से 8 बार रिवाइज कर चुके थे, और एक और बात बताई, बड़ा कैजुअली बोलते हैं, मुझे इसीलिए साथ में बैठना पड़ता है लोगों के, लोग हाई फाई लोगों को समझाने के लिए चाहिए होता, ये बोलते लिख के कर रहे हैं, वो समझो बात को कि आपने एक बार पढ़ा फिर लिख लिया, फिर दोबारा पढ़ा फिर लिख लिया, फिर लिख लिया, लिखने से ये लोग के दिमाग में एकदम सीधे स्ट्रेट दिमाग में जाता, और फिर बोला कि क्वेश्चन सॉल्व और कर लो तो और आसान हो जाएगा। तो ये तीनों बातें आप देखो, 7 से 8 बार रिविजन, लिख के करना, और उसके बाद उसी साथ खुद क्वेश्चंस भी बना लेना, क्या पता उसी टाइप में उसी बीच में से वैसे ही क्वेश्चन कोई आ जाए, राइट? और वो अपना क्वेश्चन बैंक होगा तो और मजा आएगा उसको पढ़ने।
कोई आखिरी मैसेज जो आप इनको देना चाहें, ये लोग जाएंगे इस बार जेई एडवांस जेई मेन के लिए? बस मेन तो ये कि टेंशन मत लीजिए बिल्कुल, ये ऐसा ही होगा, उससे खराब हो जाता है पेपर अगर टेंशन नहीं लिए तो। और बाकी क्लासेस मत मिस करिए, क्लासेस टेस्ट्स वगैरह, और टेस्ट में मेनली टेस्ट के बाद जो गलत किया उसको भी देखिए, एनालाइज करिए टेस्ट को जो भी है। और बाकी फिर जो भी जैसे टीचर्स बोले आपके उसको मतलब एज इट इज़ फॉलो करिए उसको। एज इट इज़ फॉलो से मुझे याद आया कि सुना है कि आपने जेई एडवांस के पहले थोड़ा कुछ खाना पीना बंद कर दिया था कुछ, हाँ मेरे को खबर है तो बताए जरा क्या किया था थोड़ा। अभी तो सच्चाई आनी चाहिए जनता को भी पता चले। नॉनवेज बहुत खाता था मैं तो एक महीना पहले थोड़ा बंद कर दिया था। मीन्स देखो कितना इन लोगों के ऊपर असर होता था, इन लोगों की कहानियाँ मुझे बाद में बताई गई, इन्हीं के पेरेंट्स सब बताते हैं तो काफ़ी मुझे भी मोटिवेटिंग लगती है। इवन आई ट्राइड, जैसे इनको बोला कि लाइट फूड लेना है और ये सब लेना है तो दे स्टार्टेड डूइंग दैट, कि लास्ट के कुछ दिनों में वैसे ही अपने टाइम टेबल बनाना है जैसा जेई एडवांस वाला है, या अपनी बॉडी को लाइट रखना है, सो दे स्टार्टेड इन दैट पीरियड। दैट इज व्हाट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको अपने तरीके से चीज़ों को डिज़ाइन करना पड़ेगा। और फुटबॉल भी खेलते रहे, एक महीने पहले बंद कर दिया था, अदरवाइज खूब खेलते रहे और डिस्कशन करते रहे और खूब खुश रहें, फुटबॉल खेलते रहें और एंजॉय करें, ये फंडामेंटल था इनका। इन लोगों ने क्लासेस भी एंजॉय किए और फुटबॉल भी खूब एंजॉय किया। आई होप दीज थिंग्स आर ऑल थिंग्स आर गोइंग टू गिव यू सम एडवांटेज, और थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर टाइम विद देम। थैंक यू।